साई ओवरसीज ने भेजा सी बच्चे नू सिंगापुर, हुण बच्चा वापस आके की कहिंदा पिया है सिंगापुर बारे, आओ देखदे हां इस वीडियो दे विच। मेरे फादर की डेथ हो गई थी तो साई ओवरसीज ने मतलब मेरे को बेस्ट ऑप्शन दी कि तुम यहाँ जाओ, यहाँ से हम तुम्हारी ऐसे ऐसे करके हेल्प करेंगे। लोग स्टडीज के बाद बहुत सारी अच्छी अच्छी जॉब्स अप्लाई कर रहे हैं, लाइक एस पास, ईपी पास सब मिल रहा है। तो मैं बहुत मतलब डरती थी कि हमारा कोई सिंगापुर में है भी नहीं, तो मैं वहाँ पे जाके कैसे सर्वाइव करूँगी। बकायदा मेरे को एयरपोर्ट से रिसीव करने आए, उन्होंने मेरे को अकोमोडेशन भी प्रोवाइड की। हेलो गाइस, माय नेम इज़ पूनम, मैं जलंधर से बिलोंग करती हूँ। मैं आज आप लोगों से अपनी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ सिंगापुर की। मैंने यहाँ से साई ओवरसीज से 2019 में सिंगापुर की स्टडी अप्लाई करी थी। वो मैंने इसलिए करी थी क्योंकि मेरी उससे पहले कनाडा की रिफ्यूज़ल आ गई थी और उसमें मेरा बहुत सारा लॉस हो गया था, जैसे कि मेरी बहुत सारी फ़ीस कट के आई थी, एम्बेसी फ़ीस ये वो। तो उस वजह से फिर मैंने बहुत सारे एजेंट विज़िट करने के बाद मैंने साई ओवरसीज़ का विज़िट किया। इनका प्रोग्राम मैंने जोश चैनल पर देखा था, तो वहाँ से फिर मेरा मन बन गया कि एक बार यहाँ विज़िट करके देखती हूँ, मे बी कोई सोल्यूशन मिल जाए। तो फिर इन्होंने पहले मेरे को साइप्रस का बताया, फिर उसके बाद मेरा सिंगापुर का मन बन गया, तो मैंने सिंगापुर का अप्लाई किया। 2019 में मैं वहाँ गई और मेरी वहाँ की जर्नी इतनी अच्छी रही कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ कि मैंने वहाँ से 2019 से लेके 2023 में अब मैं इंडिया विज़िट कर रही हूँ। मतलब वहाँ का एनवायरनमेंट, एवरीथिंग, जो सब अफवाहें हैं कि वहाँ पे सेटलमेंट नहीं है, फ्यूचर नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग मेहनत कर सकते हैं उनको वहाँ पे सब है, सब मिल रहा है। लोग स्टडीज़ के बाद बहुत सारी अच्छी अच्छी जॉब्स अप्लाई कर रहे हैं, लाइक एस पास, ईपी पास सब मिल रहा है। और जिन जिन लोगों को किसी और कंट्री में मूव होना था, मतलब जिनका शौक है कि नहीं किसी और कंट्री में ही जाना है, वो लोग सब वहाँ से मूव भी हुए हैं यूके कनाडा में। लेकिन एक्चुअली मेरा ये था कि मेरा वहाँ से जाने का मन ही नहीं करा, तो मैं अभी भी वहीं पे ही कंटिन्यू कर रही हूँ। तो अभी मैं अपनी इंडिया आई थी अपनी फैमिली से मिलने, तो मैंने सोचा था कि एक बार साई ओवरसीज जाके उनका थैंक यू जरूर करके आऊँ। मैं 2019 से लेके 2023 तक मैंने एक बार भी इंडिया विज़िट नहीं करा। और मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहती हूँ कि इस सारी जर्नी में सबसे ज़्यादा मेन जो हेल्प करी है वो साई ओवरसीज़ ने ही करी है। इन्होंने मेरे को अकोमोडेशन, मैं बहुत मतलब डरती थी कि हमारा कोई सिंगापुर में है भी नहीं, तो मैं वहाँ पे जाके कैसे सर्वाइव करूँगी, कैसे रहने का होएगा। तो इन्होंने फिर मेरे को जो इनके पुराने स्टूडेंट्स गए थे ना, उनका मेरे को कॉन्टैक्ट नंबर दिया। वो बाकायदा मेरे को एयरपोर्ट से रिसीव करने आए, उन्होंने मेरे को अकोमोडेशन भी प्रोवाइड की। और मैंने इतने अच्छे, वो भी लोग थे कि मैंने मतलब मैं जब यहाँ से गई तो मैं उनके साथ ही रह रही हूँ अभी भी 2-3 साल से। मतलब मैंने एक बार भी वहाँ से शिफ्ट नहीं करा, मेरे को कोई मतलब उन लोगों ने भी मेरी बहुत हेल्प करी। और यहाँ मेन अनु मैम, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी क्योंकि उस टाइम पे मेरी थोड़े सर्कमस्टेंसेस भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे जब मैंने यहाँ अप्लाई किया। मेरे फादर की डेथ हो गई थी तो साई ओवरसीज ने मतलब मेरे को बेस्ट ऑप्शन दी कि यहाँ जाओ, यहाँ से हम तुम्हारी ऐसे ऐसे करके हेल्प करेंगे। एक और बात गाइस, मैं ये बात भी आपसे शेयर करना चाहती हूँ। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं सिंगापुर नहीं कनाडा जाना चाहिए, लेकिन आज की तारीख में सिंगापुर और कनाडा में कुछ कोई फ़र्क नहीं है, डॉलर रेट दोनों का सेम है। आई थिंक कुछ सेंट सिंगापुर का ज़्यादा ही होगा कनाडा से। और ये एक बात ये भी है कि साई ओवरसीज जो है ना, वो सिंगापुर की सारी फ़ीस आफ्टर वीज़ा लेता है, उससे पहले कोई चार्जेस नहीं देने पड़ते। और जो कनाडा का है उसमें फ़ीस भी पहले जाती है, एम्बेसी फ़ीस भी पहले जाती है, इन केस रिफ्यूज़ल आ जाती है तो उसमें बहुत सारा लॉस हो जाता है। और सिंगापुर के लिए ये है कि इसमें आपका पैसों का कोई लॉस नहीं होता, इसमें वीज़ा के चांसेस भी थोड़े ज़्यादा होते हैं यहाँ से आने के। और वहाँ भी सब चीज़ें सेम ही है, एनवायरनमेंट अच्छा है, इवन कनाडा से ज़्यादा सेफ कंट्री है, क्राइम फ्री कंट्री है। तो मे बी मेरे अकॉर्डिंग सिंगापुर बेस्ट है। मेरी वहाँ की जर्नी इतनी अच्छी रही ना, मतलब मैं बता नहीं सकती कि मैंने वहाँ पे जाके क्या क्या अचीव करा। थैंक यू गाइज़।